एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज अपन बात करेंगे कि गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि गेट और पोस्ट मेथड होती क्या है। तो गेट और पोस्ट मेथड वो मेथड होती है जो डेटा ट्रांसफर करती है क्लाइंट और सर्वर तक। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर तक जो डेटा ट्रांसफर करती है वो मेथड्स होती है, और ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करती है। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस देखेंगे। पहला डिफरेंस है गेट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर्स अपेंडेड इन URL स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हो गया, जो गेट मेथड होती है वो रिक्वेस्ट पैरामीटर URL स्ट्रिंग में सेंड करती है, मतलब अपेंड दिखते हैं उसके जो पैरामीटर होते हैं वो URL स्ट्रिंग में दिखते हैं। URL स्ट्रिंग क्या होती है? यूजर रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, URL वो होता है जैसे अपन कुछ भी एक्सेस करने के लिए कोई URL लिखते हैं, www.youtube.com, ये URL स्ट्रिंग होती है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस अपन इसी का पोस्ट में देखेंगे। पोस्ट कैरीज रिक्वेस्ट पैरामीटर इन मैसेज बॉडी। ये क्या करते हैं, जो मैसेज जो रिक्वेस्ट पैरामीटर रहते हैं वो मैसेज बॉडी में कैरी करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, विच मेक्स इट मोर सिक्योर। इससे क्या होती है, सिक्योरिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस अपन देखेंगे गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैच्ड। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट को अपन कैच किया जा सकता है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नेवर कैच्ड। पोस्ट रिक्वेस्ट को कैच नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप एक एक डिफरेंस पूरा पूरा समझिए ताकि आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होगी और याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अपन थर्ड डिफरेंस देखते हैं। गेट इज यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्सेस। ठीक है, गेट मेथड वो होती है जहाँ अपन को कहीं स्पेसिफाइड रिसोर्स से एक्सेस करना हो, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, गेट मेथड। जैसे फिक्स जो होती है, अपन को कोई भी URL से फिक्स्ड रिसोर्स एक्सेस करना है तो अपन गेट मेथड का यूज करते हैं। पोस्ट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट एंड अपडेट अ रिसोर्सेस। पोस्ट मेथड क्या करती है, ये इसलिए यूज होती है कि कोई भी डेटा अपन सर्वर को इसलिए सेंड करते हैं उसके क्रिएशन और अपडेशन के लिए। ठीक है, रिसोर्स के क्रिएशन और अपडेशन के लिए अपन पोस्ट मेथड का यूज करते हैं सर्वर साइड पे। ठीक है, अब फोर्थ डिफरेंस देखेंगे अपन। गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुकमार्क। गेट रिक्वेस्ट को अपन बुकमार्क कर सकते हैं ताकि अगेन अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं बुकमार्क करके। ठीक है, इसी को अपन पोस्ट मेथड में देखेंगे, कैन नॉट बी बुकमार्क। ठीक है, इसको इसमें बुकमार्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, पोस्ट मेथड को। गेट फिफ्थ डिफरेंस देखें अपन, गेट रिक्वेस्ट रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री।
इसका मतलब ये समझ आया, अपन कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं उसको अपन हिस्ट्री में से वापस जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड में क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट डू नॉट रिमेन इन द ब्राउजर हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, अपन फिर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, रिमेन बिना यूआरएल के मैसेज बॉडी के अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डिफरेंस देखेंगे अपन, गेट रिक्वेस्ट हैव लेंथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, नाम से पता चलता है कि जो यूआरएल की जो लेंथ रहती है उसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा www.youtube.com, whatsapp.com, fb.com, एनीथिंग, बहुत सारे अपन यूआरएल डाल सकते हैं, उसकी लेंथ स्ट्रिंग रेस्ट्रिक्शन रहता है ताकि अपन उस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख सकते उसमें, एक ही लाइन बहुत इनफ होती है। ठीक है, मैसेज बॉडी में अपन कितना भी लिख सकते हैं। तो गाइस आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा आई विश, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा पढ़ सके। ठीक है, इसी में अपन पोस्ट मेथड में देखेंगे इस रेफरेंस को, पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट हैव लेंथ ऑफ डेटा रेस्ट्रिक्शन। इसमें जो लेंथ ऑफ डेटा होता है उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि ये डेटा जो होता है ये मैसेज बॉडी में होता है, तो अपन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कितना भी लिख सकते हैं अपन। सो गाइस आपको अगर 100% मेरा वीडियो अगर बिल्कुल समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगली बार यही पेज पे लिखा हुआ डिफरेंस आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझा सकूँ। थैंक यू गाइस।